जिले के शासन प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्नाव के बारासकवर थाना क्षेत्र के धानी खेड़ा से डीएलएड का प्रशिक्षण करके लौट रहे अध्यापकों की बुलेरो गाड़ी सामने से आ रही रोडवेज बस से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बुलेरो सवार लगभग एक दर्जन शिक्षकों में से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएससी बीघापुर से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसमें दो लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। अन्य लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हैलट कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उन्नाव के बारासकवर थाना क्षेत्र के धानी खेड़ा स्थित सतपुर पीजी कॉलेज में अध्यापकों का डीएलएड प्रशिक्षण चल रहा था। आपको बता दें, डीएलएड प्रशिक्षण वो है जो निजी विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों को मोदी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद ही कोई शिक्षक पूर्ण शिक्षक माना जाएगा और वो पढ़ा सकता है। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद रोज की तरह सभी अध्यापक अपने अपने घर के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें उन्नाव की ओर से आ रही रोडवेज बस ने बुलेरो में सीधे टक्कर मार दी, जिसके बाद दो लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें कानपुर हैलट भेज दिया गया। मामूली रूप से घायल शिक्षकों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ये हम लोग एक साथ वहाँ पर डीलेट का धानी खेड़ा में सतगुरु महाराज महाविद्यालय में प्रशिक्षण ले रहे थे। अभी जब छुट्टी हुई तो मेरी गाड़ी आगे थी और वो पीछे गाड़ी थी। जब यहाँ मैं उन्नाव पहुँचा तो मुझे फ़ोन के द्वारा मालूम हुआ कि जो है पीछे वाली गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है। अब किससे हुआ ये चीज़ मैं दोनों वाली। अभी जो अस्पताल में जब हम लोग उनका मालूम हुआ कि अस्पताल लेके आ रहे हैं, तो हम लोग अस्पताल में उनका वेट कर रहे थे। अभी डाला से जब बॉडी वहाँ से जो छः आई, तो उनमें एक दो लोग लग रहे थे कि एक्सपायर ही हो चुके हैं संभवतः, और बाकी छः लोगों की जो स्थिति थी बहुत ही नाजुक थी और तो बेचारे वो तड़प रहे थे। ये लोग गए थे, ये जो डीलेड यूपी सरकार का जो एक हाईकोर्ट द्वारा निकला हुआ है कि 2019 के बाद कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई बिना प्रशिक्षित टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, उसके द्वारा जो है मतलब स्कूल से डीलेड प्रशिक्षण कराया जा रहा है। तो वो मेरा सेंटर वहाँ धानी खेड़ा गया हुआ था, तो वहीं से हम लोग प्रशिक्षण दे कर लौट रहे थे। कितने लोग गए थे? तो हमारी गाड़ी में वो लोग तो उसमें गाड़ी में 8-10 लोग थे, उनकी गाड़ी में हम इतनी लगभग संख्या थी। हाँ, बीघापुर में अभी पता चला है कि एक बस और बुलेरो का एक्सीडेंट हो गया है, और यहाँ पर जिला अस्पताल में हमारे पास 6 मरीज जो है अच्छे थे। 6 में जो है 2 जो है वो ब्रॉड डेड थे, बाकी 4 पेशेंट उन्होंने देखे गए थे। चारों पेशेंट जो है कोई सीरियस स्थिति में थे। इन चारों पेशेंट को देखकर प्राइमरी मैनेजमेंट करके इनको एम्बुलेंस से 108 साहब, एक तस्वीर देखने को आई है, उनको डाला में लाद के लाया जाता, क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था अपने स्वास्थ्य केंद्र में नहीं थी क्या? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था है, 108 की व्यवस्था है, 108 को बुलाया गया। डाला में अगर परिजन जो है वो जल्दी में लेकर के आए होंगे, उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, एक के ऊपर एक जो है लोग पड़े हुए थे। तस्वीरें तो वही स्वास्थ्य विभाग की खुल के आई। देखिए, बारा सर्वर में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक रोडवेज और एक बोलेरो में टक्कर हुई है, जिसमें करीब 13 लोग घायल हुए हैं। उस घायलों में से 2 की मौत हो गई थी। तुरंत पुलिस मौके पर गई, लोगों को अस्पताल लेके आई, और उनको जो है जो गंभीर रूप से घायल थे उनको कुछ और अधिक अच्छे इलाज के लिए उनको कानपुर रवाना किया गया।